गुरुग्राम के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुशांत लोक सेक्टर 43 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, स्कूल के बच्चों और अध्यापकों ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की प्रतिभाशाली शिक्षिका सुमन रानी द्वारा पूछे गए नई शिक्षा नीति के प्रश्न पर हम सभी का मार्गदर्शन किया। हम अपनी इच्छा के शिक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ पाते और सब प्रेशर के कारण और प्रतिष्ठा के कारण एक धरे पर चले गए, हाँ नहीं नहीं डॉक्टर बनना है, लेकिन हमारा जो इंस्टिंक्ट है कुछ और है। मुझे वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट है, मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है, मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट। अब कारणों से मैं मेडिकल में तो चला गया, पहले तो गए हैं तो फिर इस पाइपलाइन में यहां घुसे आप तो आपको वहां ही निकलना पड़ेगा दूसरे छोर पर। अब हमने कह दिया ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्रवेश कर लिया लेकिन एक साल दो साल के बाद लगा कि नहीं नहीं मेरा रास्ता ये नहीं है, मेरा तो मिजाज वो है, मैं वहां जाना चाहता हूं। तो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको नए रास्ते पर जाने का अवसर देती है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बाद बच्चों ने बताया कि परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री ने काफी अच्छे सुझाव दिए। बच्चों ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा तनाव को नियंत्रण रखने, आत्मविश्वास बनाए रखने जैसी जानकारियों से उन्हें काफी प्रेरणा मिली। वो कैसे कैसे हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम पढ़ाई करनी चाहिए और वो हमें कुछ टिप्स भी दे रहे हैं कि अपने एग्जाम को कैसे ना रेफरेंस देना चाहिए अपने जब आप आंसर लिखते हो अपने भाषा में। और हमारे स्कूल में सीएम सर भी आए हैं तो उन्होंने हमने उनसे क्वेश्चन किया कि अपने कंसिस्टेंसी को कैसे हम बढ़ा के रखें तो उन्होंने हमें टिप्स दी कि अपनी कंसिस्टेंसी शुरू से लेके आखिरी तक अपनी कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा रहना। परीक्षा के बारे में बात चल रही है इस विषय पर लोगों को भी अच्छा लग रहा है और अच्छी बात है कि देश आगे बढ़ेगा कि कैसे पेपर वगैरह इम्प्रूवमेंट होंगे। कुछ सीखने को मिला कि अपना स्ट्रेस कैसे कंट्रोल में रखें और क्या बोलते हैं जब एग्ज़ाम दे रहे हो हम तो उसको कैसे हैंडल करेगी क्वेश्चन तुम्हें।